सन 90 के दशक कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के ऊपर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों ने खुलकर जाहिर की अपनी प्रतिक्रिया। आपको बता दें 11 मार्च को देश भर में कश्मीर फाइल्स फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया, तो वहीं इस मूवी को देखने के बाद लोगों में अलग अलग भावनाएं देखने को मिली और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज इस फिल्म के दृश्य ने सभी को जागरूक कर दिया और कश्मीर में हुए नृशंस अत्याचार ने ये भी बता दिया कि उस हालात में मौजूदा सरकार, तंत्र, प्रशासन, राजनीतिक नेताओं के होते हुए कश्मीरी जनता के विशेष समुदायों में से कैसे हिंदुओं को अलग कर निशाना बनाया गया, जिसमें से वहां के रहने वाले कश्मीरी रेफ्यूजी बनकर कैंपों में रहने को मजबूर हो गए, कैसे 30 सालों से अपने हक की लड़ाई के लिए उनकी हकीकत से लोगों को दूर रखा गया और इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ा। एक प्रोपेगेंडाधारी लोगों द्वारा कथित और पर एजेंडा चलाया, जिसके तार भारत के मशहूर विश्वविद्यालय से सेक्यूल रेडी जैसे शब्द को हवा दी गई। आज ग्रेटर नोएडा में एक मॉल के पूरे सिनेमा घर को बुक कर लोगों को कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाया गया। वीओ तीसरे वर्ष कॉलेज की छात्रा प्रज्ञा बताती है कि उसने पूरी फिल्म क्या देखा और जानना कि उस वक्त की राजनीति कैसी थी और अगर कोई इसे केयूल रिज में उसको साबित करे और देखे कि असल में क्या हुआ था, किस तरह नरसंहार हुआ था कि जो हुआ नहीं हुआ आज पता लगा कि और उस वक्त लोगों को ये बताने वाला एक माध्यम मीडिया थी तो वो कहां गई थी। फिर भी अगर आप सेक्युलर और देश में रहते हो तो आपको सही मायने में से केयूल रिज को जानने की जरूरत है। आप किसी नौजवान को उस कृत्य की घटना को लेकर बरगला नहीं सकते हो, उसको अब भटका नहीं सकते हो कि किसी के परिवार के साथ क्या घटना हुई हो और उसको क्या बताया जा रहा हो। आखिरी में कहती हैं, इस फिल्म को हर किसी सिर्फ इसलिए देखना चाहिए कि आखिर में सच्चाई क्या थी और क्या हुआ, और जरूर देखना चाहिए सबको। मेरा नाम सरिता सिंह है, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ सरिता विहार से, और मेन मकसद इस मूवी का, हमने पूरा थिएटर बुक करके कम से कम 200 लोगों को दो बॉडी बुक किया है, इसका मेन मकसद यही था कि लोगों को जागरूक करना, जो आजकल जो हमारा यूथ का माइंड वॉश किया जा रहा है ना सेकुलर के नाम पे, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। मूवी देख के मतलब रोंगटे खड़े होते हैं कि इस तरह के पॉलिटिशियन रहे होंगे उस टाइम पे, शर्म आनी चाहिए उनको अपने इस चीज़। अच्छा क्या लगा, रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई थी, मतलब लोगों को ये सच्चाई लोगों से छिपाई गई, पता नहीं क्या का जी, और माइंड वॉश जो किया जा रहा है जेएनयू जैसे कॉलेजेस में, वही तो दिखाया गया है, वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, बिल्कुल क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं तो जी, बिल्कुल हमें हर एक अपने बच्चे को जो एडल्ट हो चुका है उसको ये सच्चाई बतानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा फ्यूचर में भी होगा, जो सर्कमस्टांसिस बन रहे हैं ना ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसीलिए उस चीज़ को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। संजीव कौशल, मुझे 16 प्यार के लिए से बात तो बता दूं, ये मूवी नहीं है, हकीकत है। जिसने कश्मीर की हकीकत देखनी हो वो आके आज इस फिल्म को देखे, उस हर आदमी को अपने आप पे गुस्सा आएगा कि हम कैसे माहौल में रहे, हमने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या होने दिया, हमने देखा, हमें आज जाने लगा, और मेरे हाथ में आज गन नहीं है, गन अगर होती तो मैं सबको आज फोड़ देता, इतना गुस्सा भी आज मुझे। सच्चाई है, नंगा कर दिया लेडी को, मजमा लगा के देखा लोगों ने, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको आने से काट डाला उसको, और ये एक नहीं हजारों सीन है, तो हमने एक देख के हमारी आंखों में आंसू हो गए। एंड भारत सरकार है, सेकुलरिज्म की जिम्मेदार है, सेकुलर कुत्ते जिम्मेदार है इस काम के लिए। मुझे जो सेकुलर मिलेगा बोलेगा मैं सेकुलर हूँ, मैं उसको भी मारूंगा। मैं कहता हूँ कि हिंदू को हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, आराम से रहेंगे, सेकुलर कोई चीज़ नहीं होती है, देशभक्ति रहे सबके दिमाग में, सेकुलर कुछ नहीं होता है, सेकुलर ने इस देश का नाश कर रखा है। प्रज्ञा होता, मैंने कश्मीर फाइल्स,
सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन में हूँ एंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरी फील्ड है. सो आई हैव एनालाइज दिस एंटायर मूवी एंड आई बिलीव दैट अगर सच में कुछ सेकुलरिज्म है तो एवरी वन शुड प्रूव इट. हर कोई आए देखे एक्चुअल में क्या हुआ था, वॉट लिटरली जेनोसाइड इज. दिस मूवी हैज एंटायरली राइट. जो हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात थी, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, इवन हम भी नहीं खड़े थे. आज हमें पता लगा, हमारे को किसी ने बताया नहीं. आज आप लोग हमसे पूछ रहे हो मीडिया उस टाइम पर कहाँ था. एवरीथिंग शुड बी क्रिटिकली एनालाइज्ड. तभी जो वो एक्चुअल में यूथ की बात हुई थी ना, तब वो यूथ अपफ्रंट होकर आएगा. अगर आज हम ये देख रहे हैं कि सेकुलर कंट्री से हम बिलोंग करते हैं तो हम ऐसी मूवीज़ को नहीं देखेंगे, ये बहुत शेमफुल है, बहुत ही ज़्यादा शेमफुल. अगर तुम सेकुलर हो तो वो भी देखो जो गलत हुआ. सिर्फ सही और सेकुलरिज्म का नारा लगाने से सेकुलरिज्म नहीं फैलता. ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज व्हाट हिंदूज वांट. प्रभावित तो मेरे को इस थॉट ने करा है कि ये मूवी बनाना, इसको लाइक बॉलीवुड में लाना, यही एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था. आई डोंट नो हाउ दैट करेज केम इन द डायरेक्टर्स, इन द प्रोड्यूसर्स, इन द एंटायर गवर्नमेंट टू फिल्म दिस ऑन स्क्रीन. बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे वो स्पीच लगी थी, बट आइडियली आई शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट द प्रोफेसर्स, दे आर टीचिंग अस. तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, बट फाइनली कोई तो था जिसने एक्चुअल में हमें दिखाया कि क्या हुआ. हाँ जी हाँ जी, उनके अपने व्यूज थे, मैं किसी को कुछ कहूँगी नहीं, बट फॉर मी दैट वाज एंटायरली रॉन्ग. आप किसी यूथ को बरगला नहीं सकते हो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी उस पर थोप कर. आपको हर स्टूडेंट को उतनी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करे. वो स्टार्टिंग में थे कश्मीरी पंडित के फेवर में, बट उनके थॉट्स ने उनको इस कदर इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो अपनी फैमिली के साथ क्या हुआ वो उसको देख ही नहीं पाए. अनलेस एंड अनटिल उसको फाइल ना मिलती वो किसके ऊपर बिलीव करता. ऑफकोर्स हुआ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है. मेरे लिए जो सही है मे बी किसी और के लिए सही ना हो, पर मेरे को वो स्पेस मिलनी चाहिए कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहूँ. इस मूवी को देखने के बाद मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग सच में सेक्युलर हो, तुम सच में सेक्युलर अपने आप को मानते हो, तो इसको आओ देखो. बिलीव इट और नॉट दैट इज अप टू यू, बट लाइक वॉच इट. हर किसी को, और इस मूवी को प्रमोशन नहीं मिला, दिस इज हाईली क्रिटिकल, दिस इज हाईली. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये मूवी को देखो, पर्सपेक्टिव आपका है, ठीक है, दैट्स इट. बट ऑफ कोर्स आई वांट टू एंड एवरी हिंदू शुड वॉच इट, इट इज अ मस्ट वॉच मूवी टू वाइडन योर पर्सपेक्टिव, टू वाइडन योर थॉट्स. और एक्चुअल में एनालिसिस क्या होता है, पॉलिटिकल एनालिसिस तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगा. मैं एक हिंदू हूँ इसलिए कह रही हूँ ये चीज़ को मत सोचना. मैं सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती हूँ इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम लोग सेक्युलर हो तो आके देखो कि हमारे साथ क्या होगा. थैंक यू सो मच. ये जो मूवी है ये पहल बात आज तक तो बनी नहीं और दिखाई नहीं गई. आज जो दिखाई गई है ये सरासर हिंदू जो हम हैं, हिंदुओं पर अत्याचार खुले आम हुआ है. और जी ये हमारे बड़े बड़े नेता पहले थे, और आज की तो बात नहीं लेकिन पहले जितने भी नेता थे ये सब बुजदिल और कायर थे इस हिसाब से देखा जा रहा है. और आज भी हमारे जितने हिंदू भाई हैं अगर इस मूवी को देख रहे हैं तो मैं सबसे तो पहले सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने घर में तलवार हथियार, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसको सभी को, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू है तो उसको वो उसका तुरंत परमिशन देने का कष्ट करे. देखिए जिस समय उन्होंने 24 लोगों को गिन के और सीधे सीधे शूट किया है, अगर उस दौरान हिंदुओं का खून खौलना चाहिए था, और जितने वहां थे कितने उनके साथ घटना हुई है तो खाली एक ट्रेलर है दिखाया गया है, तो हम चाहते हैं हम हिंदुओं भाइयों को एक होके और तुरंत उन पर भी आक्रमण करना चाहिए था.
उस समय की जो भी गवर्नमेंट थी वो जिम्मेदार 100% गवर्नमेंट है। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि इस मूवी से हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है और हम हिंदुओं को जगना चाहिए। हम जो कई पार्ट में बटे हुए हैं, हमें केवल एक ही नारा हिंदुओं का होना चाहिए और हमें हर जगह बढ़ चढ़ के जहां भी हो वहां सबको आगे आना चाहिए। और आज की भी देखिए, जो अराजक तत्व के लोग हैं, जहां ये बहुतायत हैं वहां ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। कोई भी जगह देख लीजिए। नहीं, उनके देखिए बहुतायत वो जिस समय हो गए बहुतायत उसी समय उन्होंने अत्याचार किया। पहले तो हम भी बराबर थे तो नहीं, लेकिन जब वो बहुतायत कहीं पर भी हिंदुस्तान में आप देखें, जहां भी ये अराजक तत्व के लोग बहुतायत हो रहे हैं वहां इनको हमारी गवर्नमेंट भी बढ़ावा देती है, छोटी छोटी जगहों पर चेकिंग तक नहीं लगाती है। मेरा नाम चेतन है। के बारे में मेरे यही विचार हैं, जो ये मूवी आज बनी है ना, ये आज से जो इतने साल लगे ना इसको बनने में, तो कहीं ना कहीं ये सरकारों का हाथ हो या किसकी भी डिस्पेंसी रही है, बट ना ये आज से बहुत पहले आनी चाहिए थी। और इस मूवी में मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा, जब वो बोलता है कि कश्मीरियों के साथ बच्चों के साथ फौज ये करती है और उनको घसीटते हैं, आतंकवादी बोला जाता है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, बंदूकें उठाई हैं। तो आप बताइए, कश्मीरी पंडितों के साथ भी ऐसा हुआ था, बट आज तक किसी कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाई है? या 26/11 में हमारे देश में जब हमला हुआ उसके जो पीड़ित थे उन्होंने बंदूक उठाई है? ये बंदूक खाली इस्लामिक लोग ही क्यों उठाते हैं? हाँ, बंदूक किसी चीज़ का रिवेंज लेने का तरीका नहीं हो सकता कभी भी। ये इसके पीछे एक बहुत डर्टी पॉलिटिक्स है और जो इन लोगों को आगे भेजते वो लोगों का ही ब्रेन वॉश होता है। हाँ, ये सेम सिचुएशन मेरे साथ होती है, शायद मैं अब आपको कैसे बताऊँ, बट मैं उन्हें ख़त्म कर देता, बंदूक उठाता हूँ। मगर आप बात ही समझ रहे मेरी बात, बंदूक जायज़ नहीं होती। आप एक चीज़ ये समझिए, बंदूक जो उठा रहे हैं ना वो बंदूक अपने उससे नहीं उठा रहे हैं। आप एक बात होती है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक इस देश की पॉलिटिक्स आपके साथ ना हो। आप समझ रहे मेरी बात? जब जिस चीज़ को देख के, जिस मूवी नहीं कहूँगी मैं, इसको सच्चाई कहूँगी। मूवी तो ये हम लोगों के लिए होगा, हमारे लिए ये मतलब सच्चाई है कश्मीर की, जो हमने 30 साल बाद आज अपनी आंखों से देखी। और हमारी सरकार, हमारे सारे नेता उस समय सोए रहे, और नेता ही नहीं, हमारे हिंदू पूरा मतलब पूरा भारत संसार सोता रहा, हमारे किसी संसार बाहर से भी हमारे लिए किसी ने आवाज़ नहीं। लेकिन जब ये चीज़ें हमने देखी, मेरे रोंगटे हाथ भी खड़े हो रहे, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। जिस चीज़ को मैं देखने के बाद मेरी ये हालत हो रही है, जिन लोगों ने ये सहा है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी इज्जत आबरू लूटते हुए देखा, अपने आदमी को मरते हुए देखा है, उनको चीज़ को देख के ना मेरी मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरी आंखों में मतलब दर्द आ रहा। ये बहुत जिस समय उस लेडी के हस्बैंड को मार कर और उसके खून से सने हुए जो उसको चावल खिलाए गए हैं वो बहुत मतलब इतना मार्मिकता कि मैं उसको देख नहीं पा रही थी। दूसरा, जब लेडी के कपड़े फाड़े गए हैं वो मतलब देखने लायक नहीं सीन था। मैं कहती हूँ वो कोई भी खड़े थे, मुसलमान खड़े थे, हिंदू खड़े थे, कोई भी खड़े थे, वो कैसे देख सकते हैं अपनी आंखों से ऐसा? बिल्कुल नहीं मिल पाती। इसके लिए जो हमारे हृदय का अग्निहोत्री है, जिन्होंने भी ये फिल्म बनाई, इनका मतलब मैं कहती हूँ कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को हमारी उम्र भी लग जाए जो हिंदुस्तान को जगाने के लिए काम करते हैं। और जब तक हम लोगों में एकता नहीं होगी, चाहे वो मतलब किसी भी जाति का, हम जातियों में बटे रहेंगे तो ऐसे ही हमारी औरतों का अपमान होता रहेगा, हमारे आदमी ऐसे मारे जाते रहेंगे। हमको एकजुट होना चाहिए और अपने आप को हमेशा इसलिए तैयार रखना चाहिए कि ऐसे अगर ऐसी सरकारें हमारे देश में आएंगी तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। का है, हम सबने देखा इस मूवी के देखने के बाद भी अगर हमारा हिंदुत्व नहीं जागता, हम लोग यूं ही पानी हमारी बॉडी में क्या कहते हैं खून नहीं फिर पानी है, समझे? हिंदुत्व का मतलब मेरा ये, इतना इस मूवी में हम क्या देखें, इस मूवी में कहां आंसू नहीं आए हमारे? औरतों का इतना अपमान, इस तरह हिंदुओं का काट काट के घर से निकालना, और ये सब क्या था उस वक्त? आज जरूरत है हम सबको यूनाइट होने की,
संगठित होने की, अपने अंदर एकता लाने की। हम और कम्युनिटीज में भी देखते हैं इतना कुचटन हमारे हिंदुओं में क्यों नहीं है। अगर हम अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। इस मूवी को प्रमोट करने का, ये इतनी प्रमोट क्यों नहीं हुई, क्या रीज़न है? तो सब ये सारा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स से निकल के हुए सिर्फ हमें अपने हिंदुत्व को देखना है और ललकारना है कि अब पीछे नहीं है। आई थिंक जो और मूवीज होती है उनमें क्या वो दिया जाता है, आप ये बताओ। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर इनसे लोगों को जागरूक करने के, लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। मेरा नाम रवि है, पेशे से वकील हूँ। इस मूवी को देख के मन आत्मग्लानी से भर गया। मैंने कायर हिंदुत्व देखा। 24 आदमी थे, एक ने भी विरोध नहीं किया कि एक बंदूक को छीन ले। क्या उनको पुलिस और प्रशासन फौज की परमिशन से वो जेहादी बन रहे हैं? हम सो काल सो वो छीनी जा सकती थी। क्या ये जेहादी मुसलमान जो भी जेहाद कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की परमिशन से कर रहे हैं? हिंदू कायर है, कायर रहेगा जब तक हिंदू नहीं जागेगा, हिंदू नहीं उठेगा जब तक ये देश में नहीं होगा। भगत सिंह पैदा हो जाए पड़ोसी घर में। मैं तो अभी कह रहा हूँ मैं शर्मिंदा हूँ। मरना वैसे भी था, संघर्ष करके तो मर लो। नहीं, मैं इसके हक में हूँ। अगर इसके खिलाफ कोई याचिका होती है तो मैं इसके समर्थन में खड़ा हूँ। जब तक ये चल रही है, जब तक याचिका क्यों डालूंगा, कोई इसका खिलाफत करेगा तो इसका समर्थन कर। ऐसी फिल्म बननी चाहिए और हर हिंदू को जागना चाहिए। हम आम हिंदू ये सोचता है कि उसकी रक्षा पुलिस और फौज करेगी। और भगत सिंह पैदा हो जाए, राजगुरु पैदा हो जाए दूसरे घर में, अपने बच्चों को राजगुरु बनाना होगा, अपने अपनी बचाव खुद करना होगा। हाँ, मैं उनके लिए संघर्ष करूँ। यस सर, मैं वादा करता हूँ। मैं कश्मीर पंजीत सर, मेरे नॉलेज में इतना अत्याचार नहीं था कि संघर्ष ही नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं, चुपचाप। ये तो सरेंडर है। ये वो कौम है जिसने सिकंदर को वापस मोड़ दिया था। चार एक मुट्ठी भर जिहादी नहीं कंट्रोल में हो रहे, खुद उठना होगा। पुलिस और फौज आपकी रक्षा नहीं करेगी, आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। यस सर, मैं कभी नहीं गया। कल जाना चाहूँगा, कल उनसे मिलना चाहूँगा। नहीं सर, मैं उनके पास कभी नहीं गया हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शेम बोलूँ, कल मैं उनके पास जाना चाहूँगा। ये बात जरूरी है।